चल विक्रम, मैं तुझे फिर से एक नई कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था, 2 साल से वहाँ अकाल पड़ा था, जमीन बंजर हो गई थी, वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। तब गांव में एक बुजुर्ग ने एक उपाय बताया, गांव के सभी लोग को इकट्ठा किया, मंदिर में जाकर लगातार बारिश ना होने पर प्रार्थना की। दूसरे दिन से सभी प्रार्थना करने के लिए निकल पड़े। उन साथियों में एक छोटा बच्चा भी था जो साथ में एक छाता लेकर आया था। सभी बच्चे उसके हाथों में छाता देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि तू ये छाता लेकर क्यों आया है, और बच्चे का उत्तर सुनकर सभी नतमस्तक हो गए। बता विक्रम, बच्चे ने क्या उत्तर दिया होगा? बेटा, क्योंकि बच्चे के दिल में अटूट विश्वास था कि हम सच्चे दिल से जो प्रार्थना करते हैं इसे ईश्वर जरूर सुनता है। देख, तू बोला मैं चला। For those who give a damn, I'm not preaching, just stating where I stand. I've had girls and hotties, be messed up at parties, screaming from my lungs, swearing from my tongues. Never did I think that I stopped to see my value, my culture, my history. So I tell you, keep the faith. It's hard to love, but it's easy to hate. But love is all you need, not guns and knives. Everything's gonna
मैं तुझे फिर से एक नई कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक युवान एक संत के पास जाता है। वह कहता है कि बहुत प्रयास के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है, आप कोई उपाय बताइए। संत ने कहा, तूने कभी किसी से प्रेम किया है? युवक बोला, नहीं गुरुजी, मैं प्रेम में नहीं मानता। संत ने पूछा, तूने माता पिता, भाई बहन, प्रकृति, पशु पक्षी किसी से तो प्रेम किया होगा? युवक बोला, नहीं गुरुजी, मैंने किसी से भी प्रेम नहीं किया। गुरुजी ने बताया, फिर तू ईश्वर का कैसे साक्षात्कार करेगा? बोल विक्रम, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? बेताल, व्यक्ति के जीवन में जीवंतता लाने वाला सत्व प्रेम ही तो है। ईश्वर इंसानों के दिल में बसता है। अगर वह प्रेम करता तो ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता था। विक्रम फिर बोला, मैं चला विक्रम, मैं तो चला। मैं तुझे फिर से एक नई कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक संत पहाड़ी से गुजरते हुए जा रहे थे। उनको प्यास लगी थी, गला सूख रहा था, ढूंढने पर भी कहीं पानी नहीं मिला। खोजबीन करने पर पता चला कि
यहाँ तो पानी की कमी है। तब संत ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके बताया कि मैं आपकी इस समस्या का हल कर सकता हूँ। सभी बहुत खुश हो गए, सबके दिलों में आशा जगी, तब पानी आसानी से मिलेगा। बता विक्रम, लोगों की ये आशा संत ने कैसे पूरी की होगी? बेताल, संत ने पहाड़ में खुदाई करवाई होगी और झरना बहने लगा होगा, इस प्रकार गांव वालों की आशा पूरी हुई होगी। मैंने तुझे बोलने को मना किया था विक्रम, पर तू बोला क्यों? तू बोला और मैं तो चला। तूफानों को चीर के मंजर